गिनती अध्याय 29, नव वर्ष पर्व के बलिदान। फिर सातवें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का, नरसिंह का फूकने का दिन ठहरा है। तुम होम बलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक एक वर्ष के सात निर्दोष भेड़ के नर बच्चे, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 1/3 अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10 अंश, और सातों भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिसे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उसका अन्न बलि, और नित्य होम बलि और उसका अन्न बलि, और इन सबों के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा का अव्यय करके चढ़ाना, प्रायश्चित के दिन के बलिदान। फिर उसी सातवें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का काम काज न करना, और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने को होम बलि, अर्थात एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक एक वर्ष के साथ भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना। फिर ये सब निर्दोष हों और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 1/3 अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10 अंश, और सातों भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये सब प्रायश्चित के पाप बलि और नित्य होम बलि और उनके अन्न बलि के और उन सबों के अर्घों के अलावा चढ़ाए जाएं, झोपड़ियों के परों के बलिदान। फिर सातवें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मानना। तुम होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हवे करके चढ़ाना, अर्थात 13 बछड़े, 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 भेड़ के नर बच्चे। ये सब निर्दोष हो और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से एक एक बछड़े के पीछे एपा का 1/3 अंश और दोनों मेढ़े में से एक एक मेढ़े के पीछे एपे का 2/10 अंश, और 14 भेड़ों के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाई जाए। फिर दूसरे दिन 12 बछड़े और 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और उनके नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर चौथे दिन 10 बछड़े और 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उनके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 6वें दिन 8 बछड़े और 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 7वें दिन 7 बछड़े और 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना,
और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाई जाएं। फिर आठवें दिन तुम्हारी एक पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना और उसमें होम बलि यहोवा के सुखदायक सुगंध देने के लिए हवे करके चढ़ाना। वह एक बछड़े और एक मेढे और एक एक वर्ष के साथ निर्दोष भेड़ के बच्चों का हो। बछड़े और मेढे और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, ये नित्य होम बलि और उनकी अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाई जाए। अपनी मन्नतों और स्वेच्छा बलियों के अलावा अपने अपने नियत समूह में यही होम बलि, अन्न बलि, अर्घ और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। यह सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी जो उसने इसराइलियों को सुनाई। थैंक यू।